एक मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूँ, थोड़ा राजनीति से वो अलग हटके सवाल है। आपने कहा कि अखिलेश यादव जिससे भी मिल रहे हैं उसे अपनी योजनाएं बता रहे हो, तमाम चीज़ें कही। अखिलेश जी का मिलना एक व्यक्ति से हुआ और जिसका खामियाजा वो भुगत रहा है, और उस चीज़ का एहसास अखिलेश जी को भी है। आजकल उत्तर प्रदेश में एक सारस की बड़ी चर्चा है, अमेठी के आरिफ के सारस की चर्चा। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 12 से 17 के बीच, उन्होंने सारस के संरक्षण को लेकर तमाम योजनाएँ चलाई, और जब उन्होंने देखा कि एक इंसान से सारस की इतनी दोस्ती है, इतनी मोहब्बत है, तो वो मिलने चले गए। आज उस सारस को अखिलेश यादव की वजह से दूर कर दिया गया, ये वो खुद मान रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं मिलने चला गया तो किसी के सारस को दूर कर दिया गया। इस पर क्या, पहले तो हम आपसे ये बता दें जी कि बचपन से दादी और नानी से हम भी सुनते आए हैं कहानियाँ, और आप भी सुनते आए हैं जी। पशु पक्षी और मानव के बीच की दोस्ती हमारी पुरानी परंपरा रही है। जहाँ तक आरिफ और सारस का सवाल है, एक मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण था कि अगर व्यक्ति के अंदर दयालुता है, सेवा करने का भाव है, पशु पक्षी से प्रेम है जी, तो पक्षी भी अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, पक्षी भी अपने सेवा करने वालों से दोस्ती करते हैं, उसका उतना ही सम्मान करते हैं। तो सारस और आरिफ की दोस्ती मानव और पक्षी के बीच की बेमिसाल दोस्ती थी, और उससे सबको शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि इस तरह का भाव पशु पक्षी के प्रति हमको रखना चाहिए। और हमारे देश में तो कहा ही जाता है कि जीवों पर दया करो, इसका एक उदाहरण। अब इसी सारस के बहाने अखिलेश यादव सारस जी पे हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इसी से समझा जा सकता है योगी जी को दूसरी पार्टियों या धर्मों के लोगों से कितनी नफरत करते हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही। अखिलेश जी इस तरह से भी हमला कर रहे हैं। योगी जी को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। नफरत फैलाने वाले जो लोगों को एक होना नहीं देखना चाहते, वो पक्षी को कहाँ से एक और आप आदमी को। मैंने देखा बहुत सारे वीडियो में योगी जी गाय को या बछड़े को कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं, एक बंदर है उसको भी खिलाते पिलाते रहते हैं, तो जीव से तो प्रेम है उनका। आखिर ये सारस और आरिफ और अखिलेश यादव का क्या मामला हो गया कि दूरी बनने का मामला हो गया? जहाँ तक गाय का सवाल है, वह गाय की सेवा नहीं करते हैं, गाय माता को वोट मांगने की मशीन समझते हैं, और उनके माध्यम से भी जनता में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सारस के आरिफ का सवाल है जी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह ही दिया कि कानपुर में हम गए थे समाजवादी पार्टी के से विधायक से मिलने, तो उसकी आपने जेल बदल दिया। हम आरिफ से मिले तो आपने आरिफ के सारस को जबरदस्ती वन विभाग पहुँचा दिया, वहाँ से भी वो गायब, उनकी दोस्ती तोड़ दिया। उसका गायब होना भी बहुत बड़ा संदेश दे जाता है कि सरकार अगर चाहेगी तो प्रेम करने वालों को दूर नहीं कर सकती है। लेकिन अखिलेश जी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस सारस की, अभी उसकी जो लोकेशन बताई है उन्होंने ही बताई कि इस जगह पे किसी गांव में है, और उन्होंने धन्यवाद किया ट्विटर पे उस गांव के लोगों का कि तुमने जो प्रेम और आपसी सौहार्द की जो मिसाल है उसको बचाए रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में ये पूरा देश जानता है कि कितना मानवतावादी दृष्टिकोण के वो व्यक्ति हैं, पशु पक्षी से या आदमियों से या बच्चों से महिलाओं से कितना प्रेम भाव रखते हैं ये सब लोग जानते हैं जी। और समाज तभी बनेगा जब पशु पक्षी भी रहेंगे, आदमी भी रहेंगे, गाय भी रहेगी, लोग भी रहेंगे, तो समाज बनेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रेम चिड़ियाघर बनाने में, लायन सफारी बनाने में, और मिल्क डेयरी बनाने में, तो इन सब सारी चीज़ों से अखिलेश जी का ऐसा व्यक्तित्व बनता है जिसके करीब कोई दूसरा नेता पहुंच भी नहीं पाता। जहां तक सरकार का सवाल है, योगी जी को पसंद नहीं है लोगों को एक साथ रहना, तो उन्होंने सारस को बंदी बना लिया। लेकिन सारस भी कमाल का है, आरिफ से कितनी उसको मोहब्बत है कि उड़ के लगातार आरिफ के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जी तो मोहब्बत करने वालों को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे योगी जी हो चाहे कोई दूसरा हो।